First Choice Kids Wear धमाका सेल ऑफर अप टू 40-60% डिस्काउंट के साथ स्पेशलिस्ट इन किड्स वेयर फैंसी बाबा सूट चूड़ीदार वेस्टर्न आउटफिट होस्टरी आइटम्स और भी बहुत कुछ फर्स्ट चॉइस 9 साल से है आपकी चॉइस वैरायटी की भरमार अच्छी क्वालिटी कम दाम आज ही आए फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रॉन्ग साइड बाइक सवार को बचाने में पलट गया ऑटो रिक्शा, नौसेना जवान का अपहरण, फिर उसे जिंदा जलाया गया। बढ़ते गैस के दामों को लेकर एनसीपी का विरोध प्रदर्शन, कहां फाड़े गए निर्मला सीतारमण के पोस्टर, ग्लेशियर फटने से टूटा हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये सब देखिए हमारे आज के टॉप 5 में। सबसे पहले आपको उत्तराखंड की खबर बताते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी में रविवार की सुबह में ग्लेशियर फट गया। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने की वजह से तपोवन बाजार पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ये तस्वीरें हैं जो काफ़ी भयावह हैं। ग्लेशियर फटने की वजह से धौली नदी में बाढ़ आ गई है और चमोली से लेकर हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। वहीं चमोली जिले के नदी के किनारे बस्तियों में रहने वालों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया है। गंगा और तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह से नष्ट हो गया। वहीं महाराष्ट्र के पास पालघर के जंगलों में एक नौसेना के 26 वर्षीय नाविक सूरज कुमार दुबे को जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अपहरण 30 जनवरी को किया गया था। अपहरणकर्ताओं ने 10 लाख की फिरौती मांगी थी। फिरौती की रकम ना मिलने पर नौविक को जिंदा जला दिया गया। इलाज के दौरान नौविक की मौत हो गई है। नौविक नौसेना का जवान था, ये झारखंड के रांची का रहने वाला था। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। भिवंडी के बंजार पट्टी में रॉन्ग साइड की तरफ से आ रहे बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक ऑटो रिक्शा पलट गई। इस हादसे में ऑटो रिक्शे में सवार एक बच्चा घायल हो गया और ऑटो ड्राइवर का पैर ऑटो में फंस गया। हालांकि हादसे के बाद बाइक सवार बाइक छोड़कर भाग गया। स्थानीय लोगों ने काफ़ी देर तक ऑटो ड्राइवर को निकालने की कोशिश करते रहे और आखिरकार ऑटो ड्राइवर को बाहर निकालने में कामयाबी भी मिली। स्थानीय लोगों ने घायल बच्चे और ऑटो ड्राइवर को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। बढ़ते गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर भिवंडी में एनसीपी पार्टी ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर ही चूल्हा बनाकर लकड़ी और गोबर से आग जलाकर रोटी पूड़ी बनाई और सड़कों पर ही रोटियाँ खाई। देश भर में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को और गैस सिलेंडर के दामों को लेकर बीजेपी सरकार का विरोध हो रहा है। आज आपने देखा है कि गोबर की जो गोईठा होता है उसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ खाना बनाया है। ये हमारे बुरे दिन की शुरुआत है। मोदी जी जो हमारे अच्छे दिन लाने वाले थे वो तो लाए नहीं है। डीजल गैस पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के उन्होंने हमको जो हमारे पुराने दिन थे जो बुरे दिन है उनकी शुरुआत मोदी जी ने करा दी है। तो मोदी जी अपना आतंक अपनी हिटलरशाही बंद कीजिए और हम आम गरीबों को राहत दीजिए। वहीं मुंबई के दादर में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बढ़ते गैस के दामों को लेकर अर्थमंत्री निर्मला सीता रमण का पोस्टर बैनर भी फाड़ दिया गया। जिस तरह से गैस के दाम बढ़ रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी देश भर में देखी जा रही है। चाहे गैस सिलेंडर हो या फिर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मोदी सरकार पर भी आरोप लग रहा है कि मोदी मन की बात तो करते हैं मगर जनता की मन की बात नहीं सुनते हैं। इस तरह के कार्यकर्ता मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।